सबक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की सेहत सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक मेडिकल बोर्ड के तिबी मुआयने में शुगर आउट ऑफ ने भी कमी। मेडिकल बोर्ड ने एक बार फिर जेनेटिक टेस्ट की तजवीज दे दी। प्लेटलेट्स गिरने के इलाज तक सबक वजीर आजम की सेहत को खतरे की निशानदही कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकली की तैयारी। शरीफ मेडिकल सिटी की एम्बुलेंस डॉक्टर्स और अमला सर्विसेज हस्पताल पहुंच गया। ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान भी सर्विसेज हस्पताल पहुंच गए। शहबाज शरीफ भी हस्पताल पहुंच गए। मियाँ नवाज शरीफ की शरीफ सिटी हस्पताल मुंतकली से डॉक्टर्स को आगाह कर दिया गया। नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट का हतमी फैसला मेडिकल बोर्ड ही कर सकता है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान। सूबाई वजीर ने साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को खतरे से बाहर करार दे दिया। कहा, इस नौयत के मरीजों के प्लेटलेट्स बढ़ते और कम होते रहते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन में बेहतरी आई है। मरियम नवाज की रूपकार अदालती अहलकार ने कोट लखपत जेल पहुंचा दी। कानूनी कार्रवाई के बाद लीगी खातून रहनुमा की रिहाई का परवाना जारी होगा। जमानती मचौल के कैप्टन एटार सफदर सैफुल मलुक खोखर और फैसल सैफ ने जमा कराए। अदालती इस्तफसार पर जुडिशियल रजिस्ट्रार ने 7 करोड़ दर जमानत और पासपोर्ट जमा कराने की तस्दीक की। जो जिंदगी बचाने के जिम्मेदार हैं, वो कैसे हड़ताल पर जा सकते हैं? यंग डॉक्टर्स का तरीकाकार कानून के बरक्स है। डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ समाप्त पर जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। कहा कि हम सबका केस है, बगैर खौफ के खुली अदालत में ही फैसला सुनाएंगे।